यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। हम लोगों को अब पढ़ना है यहाँ फॉर्मूला वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फंक्शन है कि मुझे पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये सब है कुछ फंक्शन, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, ये कुछ फंक्शन है, ठीक है। फिर ये कुछ फंक्शन है, फिर फाइनेंशियल के रिलेटेड इतना ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। ये है फंक्शन, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन में इतना ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। टेक्स्ट में जाएंगे तो इतना ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। डेट टाइम में जाएंगे तो इतना ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शन है पढ़ने को, ठीक है। लेकिन हम इन सब को नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ लेंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, जैसे फाइनेंशियल के रिलेटेड फंक्शन वगैरह है कुछ, ठीक है। ये देखिए इतना सारा फंक्शन है, ये कुछ इंजीनियरिंग का फंक्शन है, ठीक है। कुछ ये फंक्शन है, इसमें जाऊंगा तो कुछ ये फंक्शन है, ठीक है। इज नंबर, इज ऑड, इज रेफर, बहुत सारा मतलब फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आप लोग समझते हैं क्या है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला फंक्शंस लगाने से पहले हमको एक ठो चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, जैसे ये है इक्वल टू का साइन, ठीक है। कोई भी फंक्शन लगाओ उससे पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, ठीक। मैं इक्वल टू का साइन लगा दिया, अब यहाँ पे 10 लिखूंगा, फिर प्लस का साइन दूंगा, फिर यहाँ पे 12 लिख दूंगा, फिर एंटर दबाऊंगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। F2 दबा दिया तो सेल एडिटिंग मोड में ओपन हो गया, ठीक है। अब यहीं पे जो है माइनस का साइन दे दूंगा तो क्या होगा, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि वो 10 में से 12 माइनस कर दिया, ठीक है। इसको मैं 12 माइनस 10 करूंगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसी को जो है मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 इंटू, गुणा करना है तो कंप्यूटर में स्टार का साइन देना चाहिए, दूना 24 होता है तो 24 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे। अब डिवाइड करना है तो इसका साइन देके एंटर मार दीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो हो ही गया, आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जैसे दो ये करेंगे, फिर तीन करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर जरा बताइए, 2 × 4 × 8, ठीक। तो 8 आ गया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं 10, इसको कर देता हूं 2, तो आ गया 100, 100 उसको फिर से मल्टीप्लाई किया 10 को 10 से तो 100 हो गया, 10 × 100, ठीक है। इसी को यहाँ पे अगर 3 लिख दूंगा तो हो गया 1000, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ, ठीक है। और क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा चिन्ह कि प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, ठीक। तो ये हो के कहाँ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। कंट्रोल इंसर्ट दबाया, यहाँ पे नम 1 करता हूँ, यहाँ पे नम 2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे करना क्या है, ऑपरेटर लगा देता हूँ, ऑपरेटर, ऑपरेटर का स्पेलिंग सही है, गलती होगा तो समझ जाना मैं सही लिखा हूँ, ठीक है। चलिए मेरे को आंसर कहाँ पे आना चाहिए, NS, ये आंसर चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है। F2 दबा के इधर आया, ठीक। आंसर मेरे को यहाँ पे चाहिए ना, इक्वल टू का साइन दे देता हूँ मैं, ठीक है। फिर इस सेल का एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मेरे को प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, क्या करना है, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा ऐसे। फिर क्या करूँगा, इसको यहाँ पे दे दूंगा, प्लस हो गया, ठीक है। इसको मैं बनाया ही क्यों, डिलीट हो जाओ यार, ठीक है। ये देख लीजिए, अब इसमें साइन को बदल दूंगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
जो साइन मैं करूंगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कर लोगे, हो जाएगा ना, नहीं होगा। ये सब बहुत आसान काम है, मैं डिलीट कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। आगे चलें, अब कुछ फंक्शंस मैं लिखा हूँ जो है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। एक कुछ फंक्शंस है जिसको हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इसको और आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये सम फंक्शन है, सम फंक्शन को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू का साइन मारेंगे पहले, पहले मैं गिनती लिखता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। इसका आंसर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो इनको क्या करूँगा, ऐसे जोड़ते जाऊँगा। ऐसा तो आप जोड़ लोगे ना, यहाँ पे भी जोड़ दूंगा, यहाँ पे भी ऐसे जोड़ लूंगा, फिर यहाँ पे भी जोड़ के एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दूंगा, लिखूंगा सम फंक्शन से जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे सम लिखूंगा, ऐसे करूंगा, इन सब को सेलेक्ट करके ऐसे कर लूंगा तो जुड़ जाएगा ऐसे। लेकिन ये यहाँ का पूरा रेंज जोड़ रहा है, मेरे को सारा रेंज नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये चाहिए मेरे को, फिर कौन सा चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कॉमा दे दे के मैं सेपरेट करूंगा, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, जुड़ गया, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा, सम लिखूंगा। इसमें आप ऐसे भी नंबर चाहो तो कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हो, ऐसे कुछ भी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एंटर, ठीक है। तो ऐसे भी ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं कुछ संख्या लिखता हूं, ठीक है। अब मैं कुछ संख्या यहां पे लिख दिया, यहां पे, तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू मारूंगा तो अपने आप यहां पे जुड़ के आ जाएगा, और एंटर मार दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। इसको कहा जाता है ऑटो सम, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि रिजल्ट आ जाए यहां पे, किस किस का रिजल्ट आ जाए, इसका टोटल जुड़ के आ जाए, फिर कॉमा मैं दूंगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा, सम लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं इन सब को टोटल सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, सेल एड्रेस यहां पर टाइप भी कर दूंगा, A1 SU, सम, ठीक है। फिर टाइप किया A1, शायद एरो की दब रहा है, मेरा नंबर लॉक चालू नहीं है, ठीक है। टैब मारा, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। A1 लिख दिया, ठीक है। फिर अगर एक एक वैल्यू आपको जोड़ना है तो कॉमा से आप सेपरेट करोगे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल लिस्ट सेलेक्ट करना है, मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करना है तो ऐसे करोगे और फिर इसको सीधा सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दो, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक एक रेंज अगर सेलेक्ट करना है तो यहां पे आप कॉलन का साइन दोगे, और एक एक डेटा सेलेक्ट करना है तो कॉमा कॉमा से आप सेपरेट कर लोगे, ठीक ना। अब इसका भी मेरे को सम चाहिए, इसका भी सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, फिर कॉमा लिखूंगा और फिर इसको भी जो है सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे, ठीक। एंटर मारूंगा तो इसका भी सम आ जाएगा, इसका भी सम आ जाएगा, ठीक है। जब माउस पैटर्न मेरा ऐसा बन जाएगा ना, तो मैं सेल को मूव कर सकता हूं कहीं भी। कहां मूव करूं, इसको नीचे वाले सेल पे मूव कर दिया, ठीक। इसको मैं ऑल्ट इक्वल टू मार के ऐसे जोड़ा, इसको भी मैं ऑल्ट इक्वल टू मार के एंटर करके ऐसे जोड़ा, ठीक। इसको मैं डिलीट करता हूं, यहां पे लिखता हूं इक्वल टू, और फिर इसको जोड़ता हूं मैं प्लस प्लस, और फिर इसको जोड़ता हूं, ठीक। तो ये आ गया, यहां पे ऐसे भी जोड़ दूंगा मैं, इन दोनों का सेल एड्रेस मैं दे दूंगा इसको, ठीक है। तो ये जुड़ के रेडी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो जब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। आगे चले, मान लीजिए यहां पे कुछ मैं लिखा हूं ऐसे गिनती,
यहाँ पे गिनती ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए, ठीक, ए एन एस लिख दिया, मेरे को आंसर चाहिए जोड़ करके यहाँ, ठीक, मतलब दूसरे सीट में डेटा है, ठीक है, और मेरे को जोड़ के कहाँ पे लाना है, यहाँ पे जोड़ के लाना है, राइट। कैसे लाऊंगा मैं, बस इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, एस यू एम लिखूंगा ऐसे, ठीक है, फिर आ जाऊंगा यहाँ पे, फिर इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे, फिर मैं यहाँ पे आके ब्रैकेट को बंद करके कर दूंगा एंटर, ठीक। तो डेटा सम होकर के यहाँ आ गया और डेटा जो है वो दूसरे सीट में है, ठीक है, इसको मैं 10 कर दिया तो यहाँ पे डेटा जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे सीट का डेटा को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे आप, ऐसे जोड़ोगे, जुड़ जाएगा ना, नहीं जुड़ेगा, ऐसे जोड़ लोगे आप दूसरे सीट से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यही डेटा, ठीक है, दूसरे एक्सेल वर्कबुक में है तो क्या जुड़ सकता है जी, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, देखते हैं जोड़ के, जुड़ जाना चाहिए। इसको मैं बंद कर देता हूं पूरी तरह से, फिर से मैं खोलता हूं विंडोज आर एक्सेल एंटर, ठीक है, 10 लिखता हूं मैं, 10 10 10 10, ठीक, डेटा ये है, कंट्रोल एस से सेव करता हूं, यहां पे लिखता हूं सम डेटा, ठीक, मैं इसको रखता हूं इसमें, ठीक, और कर दिया सेव, ठीक। इसको अब मैं कर देता हूं बंद, बंद कर दिया, फिर से विंडोज आर दबाया, दूसरा एक्सेल खोला, यहां पे मैं जोड़ के लाना चाह रहा हूं ना, मैं जोड़ के लाना चाह रहा हूं यहां पे ए एन एस, ठीक, ये देखिए, ये बुक वन अलग एक्सेल सीट है, ठीक है, और ये जो है अलग से एक्सेल सीट है, देखिए डबल क्लिक किया ये खुल गया। अब यहां पे आप देखिए दोनों जो है एक्सेल सीट खुले हुए हैं, ठीक, कंट्रोल टैब, ठीक, ये देखिए इस पे जाना है आपको तो कंट्रोल टैब दबा के जा सकते हैं, फिर इस पे जाना है तो कंट्रोल टैब आप दबाएंगे तो ये देखिए यहां पे नाम बदलेगा, शॉर्टकट बटन कंट्रोल टैब, ठीक, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो क्या होगा, ये देखिए अलग अलग बुक खुलेगा ना, व्यूज में आप आइए और यहां से भी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक, यहां से भी आप स्विच कर लेंगे, एक साथ खुला है दोनों वर्कबुक, ठीक। इन सीट में अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के बाद पेज डाउन करेंगे तो ये देखिए जा रहा हूं मैं, पेज अप करूंगा तो 3 से 2 में आ गया, 2 से 1 में आ गया, ठीक है, तो पेज अप पेज डाउन से करके आप लोग आ जाएंगे, ठीक। अब मैं फिर से आ जाता हूं अपने इस वाले में, आंसर मेरे को यहां चाहिए, इक्वल टू का साइन दूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक, कंट्रोल टैब मारा आ गया इसमें, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैं ऐसे, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा और कर दूंगा इसको ऐसे, कर दूंगा एंटर, 40 यहां पे आ गया ना, आ गया 40। इसको मैं फिर से डिलीट किया, फिर से मैं जोड़ के आपको दिखाता हूं, ठीक है, इक्वल टू का साइन दिया, सम लिखा, ठीक। अब मैं क्या किया था, कंट्रोल टैब दबाया था तो दूसरे वाले में आ गया था, ठीक है। दूसरा तरीका है कि यहां पे आप आके स्विच कर जाइए, ठीक है, और फिर यहां पे जाकर के आप ऐसे करिए, ठीक, सेलेक्ट करिए और यहां पे ये दबा के एंटर कर दीजिए, ठीक। मैं इसको बंद भी कर दूंगा ना, अब ये देखिए बंद कर दिया मैं इसको, फिर भी यहां पे देखिए आ रहा है 40, ठीक है। चलिए मैं इसको जो बंद किया था फिर से ओपन करता हूं, यहां पे 10 के जगह पे 50 लिख देता हूं मैं, ठीक है, या फिर 60 यहां पे लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक। अब मैं दूसरे वाले सीट में इसमें आ जाता हूं, ये देखिए यहां पे आ गया 90, आ गया ना, तो आप जोड़ लोगे। एक ही वर्कशीट में डेटा है तो कैसे जुड़ेगा, आपको समझ में आ गया, दूसरे सीट में डेटा है तो कैसे जुड़ेगा, ठीक है, और फिर दूसरे वर्कबुक में है तो डेटा कैसे जुड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूं, ये देखिए यहां पे आया तो ये देखिए पूरा एड्रेस आ गया, लोकेशन ये है सी ड्राइव में, यहां 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 पे है ये वर्क एक्सेल सीट, सीट का नाम ये है, ठीक।
अब मैं क्या करूंगा ना, यहां पे आऊंगा, सम डेटा के जगह पे सिर्फ सम लिख दिया, ठीक, ऐसे एंटर मार दिया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, कैंसिल, ये देखिए, ये देखिए बोल रहा है अब खोल, वैल्यू को अपडेट करना है तो ये खोज रहा है डॉक्यूमेंट, बताओ कौन सा है, ठीक, क्योंकि मैं नाम तो बदल दिया हूं जी, नाम बदल दिया था ना मैं। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे आऊंगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा और कर दूंगा ऐसे एंटर, तो अब नहीं मांगेगा वो, ठीक है, जो डेटा था वो रहेगा वैसे, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर, सेम सीट में डेटा कैसे जोड़ेंगे, डिफरेंट सीट में कैसे जोड़ेंगे, डिफरेंट वर्कबुक में डेटा कैसे जोड़ेंगे, क्लियर सबको, बन जाएगा ये, आगे चले, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसका तो अब काम नहीं है मुझे, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, 12:32। फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन है देखते हैं, सम के बाद है सम इफ, ठीक। यहां पे मैं कुछ डेटा लिखता हूं, डी सी ए, ठीक है, उसके बाद बी सी ए, फिर बी सी ए, फिर डी सी ए, ठीक है, फिर पी जी डी सी ए, ठीक है, ऐसे मैं कुछ डेटा लिखा, इसको दे देता हूं इतना, इसको दे देता हूं मैं इतना, इसको दे देता हूं मैं इतना, ठीक है, इसको दे देता हूं मैं इतना, ठीक है, इसको दे देता हूं मैं इतना, ठीक, ए एन एस, ठीक, यहां मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, इसको जोड़ करके आंसर यहां मुझे चाहिए। अब मैं क्या चाह रहा हूं ना, मेरा जरूरत यह है कि जो डीसीए का डेटा है, ठीक है, सिर्फ जोड़ के लाए डीसी, डीसीए वाला, ठीक, जोड़ू, इक्वल टू का साइन दूंगा, सम करूंगा तो सम से तो सारा जुड़ता है ना, सम इफ का मैं लगाऊंगा फॉर्मूला तो सारा जुड़ जाएगा, सारा बोल रहा हूं, जो कंडीशन दूंगा वो जुड़ेगा, कैसे होगा आप लोग देखिए, टैब मारा, अब ये बोल रहा है कि रेंज बताओ मुझे, किस रेंज में, ठीक, रेंज में इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये बोल रहा है क्राइटेरिया, ठीक, तो सम इफ में कॉमा दिया और आ गया ये क्राइटेरिया में मैं, ठीक, बोल रहा है क्राइटेरिया क्या मतलब, मुझे बताओ, ठीक है, कि कंडीशन क्या रहेगा, किसका जोड़ू, डीसीए का जोड़ू, बीसीए का जोड़ू या पीजी डीसीए का जोड़ू, ठीक है, किसके बेस पे जोड़ू, मैं बोलता हूं डीसीए, ठीक, डबल कोट दे दिया, अगर डेटा टेक्स्ट में है तो आप क्या दोगे, डबल कोट के अंदर दोगे, और डेटा नंबर के फॉर्म में है तो सिंगल कोट चलता है, ठीक। फिर से मैं कॉमा दिया, अब बोल रहा है सम रेंज, मुझे वो वाला रेंज बता दो जिस रेंज पे मुझे क्या करना है, जोड़ना है, मैं कह दिया ये ले लो जी सम रेंज, ठीक, बता दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, कर दिया एंटर, ठीक, 12 और ये 12 हो गया, क्या मैं जोड़ा था, डीसी जोड़ा ना, ये 12 हो गया, ये सही जुड़ा है ना, गलत तो नहीं जुड़ा है ना, चलिए जी, अब वहां पे 12 है तो यहां पे मजा नहीं आएगा, ठीक, अब मजा आएगा, चलिए जी, हो गया, जुड़ गया ना, तो आप इस तरह से जोड़ लोगे, ठीक। यहां पे सिर्फ अब डीसीए का आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल प्लस मारा, ठीक है, ये है, इसको मैं मूव करके ले लाया इधर, ये वाला है, इसको भी मूव करके मैं ले लाया इधर। मैं अब क्या करता हूं ना, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मेरे को बार बार, जैसे मान लीजिए ना, मैंने अभी डीसीए का जोड़ा, फिर तुरंत बोल दिया गया कि तुम बीसीए का आप मुझे बता, मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा, ठीक है, कर दूंगा बीसीए, एंटर मारा, जुड़ गया बीसीए का टोटल, फिर पूछ दिया कि पीजी डीसीए का बताओ, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे पीजी डीसीए, एंटर किया तो ये आ गया, ठीक है। क्या मैं बार बार यहां पे फॉर्मूला में चेंजेस करूंगा, अगर बार बार फॉर्मूला में चेंजेस करूंगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि यहां पे लिख दूं डीसीए, एंटर करूं तो यहां पे अपने आप बदल जाए, अच्छा रहता टेक्निक। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आता हूं, ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया,
ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैं करूंगा हटा दूंगा यहां से, ठीक। और ये वाला लिखूंगा, ठीक, इसका सेल का एड्रेस दूंगा कि तुम्हें जो क्राइटेरिया चाहिए, मतलब जिस कंडीशन के आधार पे जोड़ना है, डीसीए होगा या पीजीडीसीए होगा, उस कंडीशन को आप यहां से उठा लो, ठीक, क्लियर है। एंटर मार दूंगा तो ये जुड़ गया 24, ठीक है। यहां पे मैं कर दूंगा बीसीए, तो जी आ गया। यहां पे कर दूंगा पीजीडीसीए, ये देखिए आ गया, ठीक। ऐसे आप जोड़ लोगे ना, यहां पे लिख दूंगा डीसीए तो जुड़ गया, ये देखिए। यहां पे कुछ भी लिख के एंटर कर दिया, जीरो आ गया, क्योंकि ये डेटा तो है नहीं, तो जीरो आ गया, ठीक। तो मैं अब क्या चाहता हूं ना कि यहां पे जो डेटा है वही सिर्फ यहां पे एंटर हो सके, ऐसा अगर चाहूं तो क्या हो सकता है? जी हो सकता है। डेटा में जाऊंगा, फिर वैलिडेशन किधर है यार, इधर ये देखिए, डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेट कर लूंगा मैं, लिस्ट वैलिडेशन, ठीक है, हो जाएगा। मैं लिस्ट वैलिडेशन अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैलिडेशन वगैरह मैं आपको पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, डेटा वाले चैप्टर में वैलिडेशन बता दूंगा आपको, ठीक। आप अभी यहां पे मैन्युअली टाइप कर लिया करना डीसीए, ठीक। ये सब क्लियर है आपको टोटल? इसको मैं यहां से कट किया, ठीक है, सीट इसमें आया और एंटर मार दिया, पेस्ट हो गया यहां पे, ठीक है। अब ये ले लो जी, यहां पे डीसीए है, यहां पे ये है, ठीक। जैसे ही इसको कट पेस्ट किया, ये देखिए अपने आप यहां पे जो है अपडेट हो चुका, ठीक। मैं इन सारे फॉर्मूला को डिलीट कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला फिर से लिखना है, ठीक। अब मैं क्या फिर से लिखता हूं, फॉर्मूला इक्वल टू का साइन सम इफ। अब ये क्या बोल रहा है, रेंज बताओ। मैं सीट इसमें जाऊंगा, ये रेंज बता दूंगा यहां से, ठीक। फिर यहां पे आऊंगा, कॉमा दूंगा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ। क्राइटेरिया मैं कहां से देख लूंगा, इस सीट से क्राइटेरिया निकाल लूंगा, ठीक है। फिर कॉमा दिया, अब बोल रहा है सम रेंज बताओ। मैं इस सीट में आ जाऊंगा और बता दूंगा सम रेंज, ठीक, ब्रैकेट एंटर, आ गया ना। अब यहां पे आऊंगा मैं, ठीक है, कर दूंगा बीसीए, बदल गया, ठीक है। दो ठो यहां पे बीसीए वाले हैं, ठीक है, एक ठो 15 है, एक ठो 12 है। इसको भी मैं क्या कर दूंगा, F2 दबाऊंगा, एडिटिंग होगा और यहां पे कर दूंगा 15, ठीक। अब यहां पे बदल जाना चाहिए, ये देखिए 30 हो गया ना, सैकड़ा हजार 10,000 हो गया 30। तो आप इस तरह से जो है बदलाव कर लोगे, ठीक। तो सेम ओवर सीट में देख लिया, डिफरेंट सीट में भी आपने देख ही लिया है, ठीक। अब डिफरेंट वर्कबुक में आप कर लोगे नहीं कर पाओगे, या मैं करके बता दूं, बता ही दूं। इसको मैं यहां पे आऊंगा, कट करता हूं, ठीक है, ये सम वाला जो था ना, इसी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं एंटर करके, ठीक। अब मैं आऊंगा व्यूज वाले में, यहां पे आके बुक वाले पे जाऊंगा, ये देखिए यहां पे अब तो डेटा है नहीं, लेकिन यहां पे आ रहा है, ठीक। ये देखिए अपने आप यहां पे फॉर्मूला अपडेट हो चुका है, ठीक। मैं फॉर्मूला डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मुझे आपको बताना है, ठीक है, आप चाहो तो ऐसा कर लेना, ठीक है। मैं सारा फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कभी बाई चांस आप अलग वर्कबुक में नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो क्या करना, सेम सीट में रखना, फिर कट करके पेस्ट कर देना वहां पे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सम वाला जो सीट है ना, इसको बंद कर दे रहा हूं अब, ठीक, सेव कर दिया, सेव होकर के बंद हो गया है, ठीक। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा डेटा देखो आ चुका है यहां पे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है, और मैं फिर से ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कभी आप भूल गए, ठीक है, डिफरेंट सीट से या फिर डिफरेंट वर्कबुक से डेटा कैसे लाना है, वो आप अगर मान लीजिए भूल गए कभी, तो क्या करोगे आप, सेम सीट से कैसे लाना है, ठीक है। जैसे यहीं पे डेटा रखा है, तो यहाँ का डेटा तो आप ले ही लाओगे आसानी से, यहाँ का डेटा यहाँ पे लाना और फिर इस डेटा को कट करके जहां डालना है पेस्ट कर लेना, फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा, राइट। आगे चलो, देखिए सम इफ, ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है रेंज। मैं कंट्रोल टैब दबा लूंगा, मुझे आसानी होगा, ये रेंज दे दूंगा, फिर मैं कंट्रोल टैब दबा लूंगा व्यू मेनू में स्विच ना करते हुए, फिर कॉमा मारूंगा, फिर इसमें आ जाऊंगा, ठीक है। क्राइटेरिया मैं दे दिया, ये क्राइटेरिया यहां से तुम उठा लो, फिर सम रेंज बोल रहा है,
फिर से कॉमा करूंगा, यहां से भी मैं जा सकता हूं, ठीक है, सम रेंज दे दिया, ठीक है, फिर यहां पे आऊंगा, कर दूंगा ब्रैकेट बंद और कर दूंगा एंटर, आ गया ना। BCA करूंगा 30 आ गया, PGDCA कर दूंगा आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप ले लाओगे, बड़ा आसान काम है, आ जाएगा ना। तो आपने देख लिया सम इफ का फॉर्मूला का इस्तेमाल सेम सीट में, डिफरेंट सीट में और डिफरेंट वर्कबुक में, आपसे हो जाएगा, ये आसान काम है, हो जाएगा ना, नहीं होगा, होगा नहीं होगा बताओगे, नहीं होगा, फिर से बताऊं, ठीक है फिर से देख लेते हैं। सीट नंबर में 3 में आता हूं, ठीक है, सम एक्सल सीट के सीट 3 में मैं आता हूं, यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। इधर यहां पे कर लेता हूं मैं DCA, क्या लिख दिया मैं DCA, BCA, 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 ठीक है, कुछ असाइन कर देता हूं मैं, ठीक, असाइन कर दिया ये, मैं ज्यादा कर दिया क्या, ये कम कर दो भाई 0 को, ठीक। फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, सम इफ, ठीक, रेंज, रेंज में मैं इस रेंज को दूंगा, ठीक है, क्राइटेरिया में क्या दूंगा, कंडीशंस, ठीक है, मैं डबल कोट कर देता हूं DCA, ठीक। यहां पे आप सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है, डबल कोट बंद, फिर बोल रहा है सम रेंज, मुझे वो रेंज बता दो जिस रेंज में से मुझे जोड़ना है, जोड़ना तो हमें यहां से है ना, ये रेंज बता दिया, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, जुड़ गया जी, मैं DCA दिया था तो DCA का आ गया, BCA दे देता हूं तो BCA का आ जाएगा, ठीक। यहां पे लिखूं तो आ जाए तो कैसे करेंगे, यहां पे हम क्या दे देंगे, सेल एड्रेस, कहां का, यहां का सेल एड्रेस दे दूंगा, एंटर मार दिया, यहां पे अब लिख दूंगा BCA तो आ गया ये, DCA लिख दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है, किसी को समस्या नहीं होगा। चलिए जी अगला है सम इफ्स, ठीक, सम इफ को देखें अब हम लोग। अभी तक क्या था कि हम क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ एक कंडीशन ले रहे थे, ठीक है, सिर्फ हम अभी तक एक कंडीशन ले रहे थे, ठीक है, क्या कंडीशन ले रहे थे कि जिसका कोर्स ये मैच करे हमें वो दे दो, ठीक, कोर्स ही देख रहे थे ना सिर्फ। अब हम क्या देखेंगे, अब हम पिन कोड भी देख लेते हैं, ठीक। तो पहले मैं सेम सीट का बता देता हूं, फिर डिफरेंट सीट का बता दूंगा, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं मैं, ठीक है, यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे आकर के कंट्रोल प्लस दबाया, एक और रो आ गया, यहां पे मैं क्या डाल दूंगा, पिन कोड, पिन कोड CORSE फीस, ठीक, पिन कोड में क्या दे दूं, 4972225, इसी को पकड़ के यहां तक खींच लिया, यहां पे क्या किया 4972226 कर देता हूं यहां पे, ठीक, इसको मैं यहां कर दूंगा इधर मूव, ठीक है, यहां पे कर देता हूं पिन कोड, ठीक है, यहां पे कर देता हूं CORSE कोर्स, ठीक है, ये आंसर को मैं क्या कर दूंगा, यहां पे ले लाऊंगा, यहां से डिलीट कर दूंगा आंसर को, ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे ले आऊंगा, यहां पे पिन कोड, ठीक, यहां पे डेटा आना चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूं, यहां पे पिन कोड डालूं और यहां पे कोर्स का नाम डालूं, ठीक है, तो ये कोर्स जिस पिन कोड से हो, ठीक है, वो पिन कोड को भी मैच करे और इसको भी मैच करे, ठीक है,
तब जाके हमें रिजल्ट दे दे। ठीक है, इसको भी मैं जो है बदल के 6 कर लेता हूं। ठीक, क्लियर आपको? यहां पे पिन कोड डालूं और यहां पे कोर्स का नाम डालूं, ठीक है, तब हमारा यहां पे रिजल्ट आए। ठीक ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? हम अब देख रहे हैं सम इफ्स। ठीक, सम इफ्स में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक, हम पहले पिन कोड डालेंगे, फिर कोर्स का नेम डालेंगे, जहां पे कोर्स नेम और पिन कोड मैच करे उसका फीस जोड़ दे। राइट, समझ में आ गया आपको? यहां पे मुझे रिजल्ट चाहिए, इक्वल टू का साइन दूंगा, सम इप्स पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि क्या बता दो मुझे, सम रेंज। ठीक है, दे दिया, कॉमा किया, अब बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया वन। मैं क्राइटेरिया वन में क्या दे दूंगा, पिन कोड, ये पिन कोड दे दिया, अब करूंगा कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा था तो मैं इसको दे दिया, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया वन, मतलब इस क्राइटेरिया वन में आपको कौन सा डेटा के आधार पे मैच करना है, तो मैं इसको डेटा दे दूंगा, क्या दे दूंगा, 497226 दे देता हूं। ठीक, फिर दे दिया कॉमा। ठीक, अब बोल रहा है क्राइटेरिया दूसरा बताओ। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया में मैं कोर्स को दे देता हूं। ठीक है, हम पहला क्राइटेरिया में भी कोर्स को दे सकते थे लेकिन मैंने नहीं दिया, दूसरा दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया रेंज टू में सेलेक्ट कर लिया कोर्स को। ठीक है, फिर कॉमा दिया, अब बोल रहा है क्राइटेरिया टू बताओ। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज तो सिलेक्ट हो गया, अब क्राइटेरिया टू बताओ, तो क्राइटेरिया टू में मैं क्या दे दूंगा, डबल कोट में BCA। ठीक, BCA दे दिया, फिर से डबल कोट करूंगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में कर दूंगा बंद। ठीक, यहां पे दो ही कंडीशन में दिया हूं, पिन कोड और कोर्स। ठीक है, आप चाहो तो दो कोर्स, दो कंडीशन से ज्यादा भी आप दे सकते हो। ठीक, कर दूं एंटर, आ जाएगा उत्तर, कर दिया एंटर। ठीक, आ गया उत्तर यहां पे। अब आप देखिए पिन कोड क्या है, 4942726, ये है 4942726 और ये है 4942726। बीसीए मैच हो रहा है, बीसीए मैच हो रहा है। ठीक, और फिर यहां पे 200 और 200, दो दो चार ही हुआ ना, चार हो गया ना, तो यहां पे चार आ गया। ठीक, 4000 हो गया ना। बीसीए यहां पे भी था लेकिन हमको इसको नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि पिन कोड तो हमने 4942726 दिया था। ठीक, अब 4942726 के जगह पे मैं 25 कर देता हूं, 2 5 कर दिया। अब देखिए 4942725 और 25 और बीसीए यहां पे मैच किया तो सिर्फ इसको दे दिया। ठीक, ठीक है, अब इसी पिन कोड में 4942725 पिन कोड में मैं डीसीए को चेक करता हूं कि डीसीए को जरा बताओ, तो डीसीए में सिर्फ एक ही है, तो 1000 आ गया। क्लियर, अब इसी को हम क्या करेंगे कि पिन कोड और कोर्स हम यहां टाइप करें। ठीक है, और फिर यहां पे हमारा आ जाए वैल्यू। ठीक, तो हमने रेंज यहां सेलेक्ट कर रखा है, ये सम रेंज है। ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है, ये है क्राइटेरिया, ये जो हमने हार्ड कोड किया है ना, यहां पे हम दे देंगे सेल एड्रेस। ठीक, तो मैं इसको हटा करके डिलीट किया और पिन कोड वाला सेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया वो। ठीक है, और फिर यहां पे जो है डीसीए को हटाया और कोर्स वाला सेल एड्रेस दे के कर दिया एंटर, यहां पे आ गया आप 0। ठीक, तो सेल एड्रेस जो मैं बदला वो आपको समझ में आया, या फिर मैं पूरा फॉर्मूला फिर से लिख दूं, बताइए अब आप लोग, समझ में आ गया जो चेंजिंग किया मैं, जो चेंज किया वो आपको समझ में आ गया ना, कि फॉर्मूला फिर से मुझे लगाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है लगाने का। ठीक है, जरूरत नहीं है तो पिन कोड में क्या दे दूंगा मैं, 497225। ठीक, यहां पे कोर्स क्या दे दूं, BCA, एंटर किया आ गया। ठीक है, यहां पे अगर DCA दे दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बड़ा आसान काम है, आप लोग कर लोगे ना, हो जाएगा। अब आप चाहो तो इस लिस्ट में जितना पिन कोड है सब यहां पे ड्रॉप डाउन मेनू, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो ना तो क्लिक करते हो तो बहुत सारा लिस्ट निकलता है, हम वैसा भी यहां पे बना सकते हैं। कैसे,
डेटा वैलिडेशन से बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको डेटा वैलिडेशन अभी तक, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं। आगे चल के हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? क्लियर है ना? अब इसी को मैं कॉपी कर लूंगा यहां से और पेस्ट कर दूंगा दूसरे वाले सीट में, यहां पे एंटर, ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरे सीट से हम अब डेटा ला सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो हमारा फॉर्मूला अब भी जो है अपडेट नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि हमने कॉपी किया है, ठीक है। इसलिए इसको मैं कर देता हूं अब डिलीट, ठीक। अब यहां पे जो है अपडेट नहीं होगा, ठीक। मैं पहले कट करता था, ठीक है, इस डेटा को अगर मैं कट करके यहां पे पेस्ट करता तो हमारा फॉर्मूला अपडेट हो जाता, ठीक, जैसे पहले हो जाता था, पहले हो जाता था ना अपडेट। अब की बार नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से फिर से जो है पूरा फॉर्मूला को लिखूंगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला पूरा डिलीट करके लिखूं या एडिटिंग कर दूं? एडिटिंग नहीं करता हूं, शायद कंफ्यूजन हो जाए। चलिए इन सबको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, फॉर्मूला नया लिखता हूं, ठीक है। किया सम इफ्स, ठीक, बोल रहा है सम रेंज बताओ, ठीक है। मैंने कंट्रोल पेज डाउन किया, आ गया ये वाला, ठीक है, और सम रेंज जो है मैंने ये बता दिया, ठीक। फिर कंट्रोल पेज अप किया, ये वाला सेल आ गया, कॉमा दे दिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये, क्राइटेरिया वन, ठीक। तो क्राइटेरिया वन बत बोल रहा है कि बताओ मुझे क्राइटेरिया वन क्या है। क्राइटेरिया वन में मैं पहले पिन कोड लिया था ना, पहले बार का एग्जाम्पल में, अब की बार कोर्स को ले लू, ले लेता हूं कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा दबाया, अब बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज तो आपने सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया बताओ मुझे। क्राइटेरिया में मैं इस पे क्लिक करके जाता हूं और इस वाले को ले लेता हूं, ठीक। अब कॉमा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज टू बता दो, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज टू बताने के लिए इस सेल में मैं जाऊंगा और फिर इसको कर लूंगा सिलेक्ट, ठीक। फिर मैं कॉमा दे दूंगा यहां पे। अब ये बोल रहा है कि क्राइटेरिया रेंज टू तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन क्राइटेरिया टू बताओ अब क्या है, ठीक। क्राइटेरिया टू में मैं क्या करूंगा, इस सेल पे आ जाऊंगा, माउस से भी आ जाऊंगा, कंट्रोल पेज अप करके भी आ जाऊंगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास दो ही कंडीशन थे, तीन चार आप लगा सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट को बंद किया, कर दिया एंटर, ठीक, आ गया। 49, 72, 25 में डीसीए सिर्फ एक ही है क्या? हाँ एक ही है, इसको मैं बदल दिया, इतना कर दिया, ठीक। अब एंटर मारता हूं, क्या बदलाव हुआ वहां? यहां पे बदलाव हो चुका है, ठीक। तो आप इस तरह से जो है डिफरेंट सीट के साथ सम इप्स का इस्तेमाल आप कर लोगे, राइट। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो आप, कोई किसी को दिक्कत नहीं है? है नहीं है ना, है दिक्कत? फिर से सारा फॉर्मूला मैं डिलीट कर दिया, ठीक। फिर से फॉर्मूला यहां पे लगा देता हूं, सम इफ्स, कंट्रोल पेज डाउन किया, दूसरा सीट खुला, सम रेंज में सिलेक्ट किया, ठीक है। ये देखिए सम रेंज बोल रहा है यहां पे, फिर कॉमा दे दूंगा मैं ऐसे, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज वन बताओ। क्राइटेरिया रेंज वन में आप कुछ भी ले लो, पिन कोड को ले लो या डीसीए को, मैं पिन कोड को ले लेता हूं, पहले मैं कोर्स को लिया था पिछले बार के एग्जांपल में, अभी मैं पिन कोड को लेता हूं, फिर कॉमा मारा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया वन बताओ, ठीक है। मैं पेज अप करूंगा तो सीट वन में आऊंगा और पिन कोड को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, फिर कॉमा दूंगा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू में आऊंगा, टू सिलेक्ट करने को बोल रहा है ये, तो मैं सीट टू में आऊंगा कंट्रोल पेज डाउन दबा के। मैं पहले पिन कोड सेलेक्ट किया था क्या? कोर्स को तो नहीं सेलेक्ट किया था ना? चलिए कोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा दबाता हूं, अब बोल रहा है क्राइटेरिया टू, पेज अप दबाया, कंट्रोल पेज अप दबा रहा हूं ना, कंट्रोल के साथ दबा रहा हूं, ठीक है। शायद मैं पेज अप और पेज डाउन ही खाली बताया तो आपको कंफ्यूजन होगा, कंट्रोल के साथ मैं दबाया था, ठीक है। फिर मैं यहां पे इसको ले लूंगा, ठीक, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा, आ गया, ठीक। डीसीए की जगह पे बीसीए कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, सीट में डेटा यहां पे है,
ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे आप देख ही रहे हो क्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफ्यूजन। आगे चले क्यों? दूसरे सीट में तो बता दिया, ठीक है, डिफरेंट सीट के साथ सम इफ्स का प्रयोग तो मैंने बता दिया। डिफरेंट वर्कबुक के साथ बता दूं कि आप लोग करोगे? बता ही दूं, सब मेरे ही से कराओगे आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, बहुत प्रोटोकॉल के खिलाफ काम हो रहा है। अगर मैं इस डेटा को, सुनिए ध्यान से, इस डेटा को अगर मैं कट करके दूसरे सीट में पेस्ट करूंगा तो फॉर्मूला अपडेट होगा, और कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो फॉर्मूला अपडेट नहीं होगा। मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं, कट करूं या कॉपी करूं? कॉपी पेस्ट करूं? कट नहीं करूं ना। चलिए, कॉपी किया और दूसरा सीट में ओपन करता हूं, जो पहले ओपन किया था। मैं रिसेंट में जाऊंगा तो मिलेगा ये वाला, ठीक। इस सीट पे आता हूं, मैं सीट नंबर 2 पे आता हूं और यहां पे बोल रहा है सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर चॉइस पेस्ट। मैं एंटर किया तो पेस्ट हो गया यहां पे ये, ठीक है। कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूं, ठीक है। कंट्रोल टैब दबा के मैं दूसरे वाले, इस वाले पे मैं आ जाऊंगा। कंट्रोल टैब दबाने से होता क्या है? ओ हाँ, दूसरे वाले वर्कबुक पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सीट नंबर 3 पे। मैं तो भूल ही गया कि कहाँ पे, ये तो सम वाला है ना, इस वाले में होगा, इस सीट में। यहाँ पे मैं जोड़ रहा था, ठीक है। फॉर्मूला अपडेट देखिए नहीं हुआ है क्योंकि कॉपी किया था। ये डेटा मैं डिलीट कर दूँ? डेटा डिलीट में कर दिया, इसका यहाँ पे अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। डेटा खत्म हो गया तो क्या हुआ, सब जीरो आने लगा। मैं फॉर्मूला को पूरा लिखूं फिर से या एडिटिंग कर दूं? लिख देता हूं, एडिटिंग करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। इक्वल टू का साइन दिया, सम इफ्स, ठीक है। हम लोग सम पढ़ लिए, सम इफ पढ़ लिए, सम इफ्स पढ़ लेते हैं। दिया, बोल रहा है सम रेंज बताओ, ठीक। मैं शॉर्टकट का बटन का इस्तेमाल करता हूं, कंट्रोल टैब, आ गया मैं यहां पे, ठीक है। अब क्या करूंगा, सम का रेंज ये है, सिलेक्ट कर लिया मैं, ठीक है। फिर दबाया कॉमा, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 दे दो। मैं क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया, फिर कॉमा दे देता हूं। फिर बोल रहा है क्राइटेरिया 1 रेंज तो आपने दे दिया, क्राइटेरिया 1 दे दो। क्राइटेरिया 1 कहां से मैं दूंगा, ये सम एक्सेल है, तो मैं कंट्रोल टैब दबा के बुक 1 पे आ गया, ठीक। और पिन कोड का ये रेंज है ना, क्या मैं कोर्स सेलेक्ट किया था, पिन कोड था, तो इस पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि यहां पे मेरे को पिन कोड लिखना है, ठीक। कॉमा किया, ठीक है। फिर कॉमा लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ, तो कंट्रोल टैब दबा के इसमें आ गया और मैं कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैं कॉमा दिया, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया बताओ, कंट्रोल टैब मारा, फिर यहां पे आके कोर्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं ब्रैकेट बंद करके कर दूंगा एंटर, यहां पे आ गया, ठीक। अब मैं यहां पे आऊंगा सम वाले में, BCA सिर्फ 2000 बता रहा है, वहां पे 2000 बता रहा था ना, तो पिन कोड चेक करता हूं क्या 49725 है, तो यहां पे 49725 ही है, ठीक है। 49726 कर दूंगा तो 4 बदल गया, ठीक है। अब मैं उस एक्सेल जो है ना, वो ये वाला, इसको मैं क्लोज भी कर दूंगा यहां से ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर देता हूं मैं इसको, ये देखिए क्लोज भी कर दिया फिर भी आ रहा है, ये देखिए ऐसा यहाँ पे, ठीक। नो, हो गया, यहां पे कर देता हूं DCA। फॉर्मूला में मैं गड़बड़ कर दिया सिलेक्ट करके, इधर क्या मैं गड़बड़ किया हूं,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्लिक करके गड़बड़ कर दिया। ये वैल्यू बोल रहा है कि दे नहीं रहा है सही, ठीक है। सम रेंज है ये, इधर आता हूं तो ये बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, ये सारा क्राइटेरिया रेंज है, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया है ये, फिर यहां पे कर देता हूं बी सी ए, एंटर। ये बोलना चाह रहा है एरर में कि जो मुझे वैल्यू दे रहे हो वो सही नहीं है वैल्यू, ठीक है। मैं कर देता हूं डिलीट, फिर से लगा देता हूं फॉर्मूला आपके सामने ही, ठीक है। सम इफ्स, ठीक, कंट्रोल टैब दबा के कोई फायदा नहीं है, अब तो वो खुलेगा नहीं। इसको मैं मिनिमाइज करके इसको मैं कर लेता हूं ओपन, ठीक है। ये तो बुक वन है, मेरे को सम वाले को खोलना पड़ेगा ना। ओपन करता हूं मैं इधर से, ये देखिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाने हैं तब ओपन करना है। ये देखिए ओपन कर दिया, ये फॉर्मूला लगा था इसलिए नहीं कर रहा था वो, ठीक है। इक्वल टू का साइन दूंगा, सम इफ्स, ठीक है, सम रेंज, सम रेंज ये है ले लो, फिर टैब कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज में मैं पिन कोड दे देता हूँ, ठीक है, कॉमा पिन कोड सेलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू दे देता हूँ ऐसे, ठीक है, फिर टैब कंट्रोल टैब कॉमा इसको दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है अभी, क्राइटेरिया रेंज थ्री नहीं है तो कोमा ना देके ब्रैकेट बंद करके मैं कर दूंगा एंटर, ठीक। तो आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, डीसीए होगा नहीं, ठीक है, 26 नहीं 25 में शायद डीसीए होगा, तो 25 में है डीसीए तो आ गया उनचास बहत्तर 25 में, ठीक है। तो आप ये कर लोगे, आसान है ना, हो जाएगा सबसे। अब मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए चल रहा है, ये सबको क्लियर है सम इफ्स, आगे चले प्रैक्टिकल करोगे। अभी तो तीन ही तो खाली मैं बता पाया हूं, इतने देर में कितना टाइम हो गया, इतना टाइम लग जाएगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। इसको पॉज करता हूं थोड़े देर के लिए, इतना को ही सिर्फ बताया हूं अभी तक तुम्हें, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिए इतने को, ठीक है, बाकी कल सबको खत्म कर दूंगा एक ही बार में। क्या चीज, कौन तीन खत्म कर दूं ना, नहीं तो कल ज्यादा हो जाएगा, कल को भी तीन ही बता दूंगा फिर, ठीक है, ठीक है। इन दोनों तीनों को बता देता हूँ अभी, ठीक। पहला मोड फंक्शन है, ठीक है, सीट नंबर थ्री में आता हूँ, खाली है सीट नंबर थ्री, इक्वल टू का साइन दिया, ठीक है, मोड क्लिक किया पहले, ये देखिए क्या बोलता है मोड फंक्शन, कि रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल बचेगा वो मैं आपको रिटर्न करके दे दूंगा, ठीक। यही मोड फंक्शन का काम है, मोड माने मॉड्यूलर, ठीक है। अब नंबर मांगता है, मैं नंबर दे दिया 10, कॉमा दूंगा, डिवाइड किससे करना है, दो से कर रहे हैं डिवाइड, एंटर दिया, दो पंचे 10 होता है, पूरा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा शेषफल, राइट, समझ में आ गया। इसको कर देता हूं तीन से मैं डिवाइड, तो क्या होगा, तीन तरी की नौ, शेषफल बच जाएगा एक, बच गया ना। फिर यहां पे आऊंगा, इसको दे दूंगा 20, ठीक। अब क्या शेषफल आएगा बताओ, तीन तीन की नौ, तीन दस 30, तीन छह 18, बताइए क्या शेषफल आएगा, चलिए तो 2 आ जाएगा, सही है कहना आपका, ठीक है। तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक। अब ये जो मोड फंक्शन है ना, चाहो तो ये जो यहां पे 2 लिखा हो ना,
इसको भी सेल से आप ले सकते हो, ठीक ठीक है। जैसे यहां डिवाइड, यहां पे डिवाइजर, शायद स्पेलिंग गलत मैं कर रहा हूं बिल्कुल, शायद यूट्यूब पे जो देखेगा वो मुझे बहुत हंसेगा मेरे ऊपर, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। यहां पे 10 लिख दिया, यहां पे 20 लिखा, यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं 20 को कर दिया इसमें, और ये जो 3 लिखा है ठीक है वो यहां पे लिख के कर दिया एंटर, आ गया। अब यहां पे मैं कर दूंगा 10 तो शेषफल आ जाएगा 1, यहां पे कर दूंगा 20 तो शेषफल आ जाएगा 2, यही है कहानी इसका, इसको कर दूंगा 2 तो यहां पे आ जाएगा 0, ठीक। आप चाहो ना तो इसको भी डिफरेंट वर्कबुक, डिफरेंट वर्कशीट के साथ काम कर सकते हो। इसको मैं कट करता हूं सीधा, समय ज्यादा न लेते हुए शीट 2 में आके पेस्ट कर दिया, ठीक। ये देख लो ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो गया, ठीक। यहां पे मैं कर दूंगा 3 करके एंटर करूंगा, ठीक है, तो यहां पे 2 शेषफल अपने आप आ गया, ठीक। अब डिफरेंट वर्कबुक में अगर मैं चाहूं ना तो भी ये काम वैसा ही करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे, नहीं लिख पाओगे, लिख के दिखा दूं, दिखा दूं, लिख के लिख लोगे, ये देख लो इक्वल टू का साइन एमओडी मोड किया, टैब दबाया, बोल रहा है नंबर बताओ, कंट्रोल पेज अप पे गया तो सीट 2 पे आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर बोल रहा है डिवाइजर बताओ, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट मारा, एंटर कर दिया, यहां पे देखिए आ गया, ठीक। ये जो है डिफरेंट सीट पे भी, डिफरेंट सीट पे तो आपने मोड फंक्शन को देख लिया, डिफरेंट वर्कबुक पे भी ये काम करेगा, ठीक। डिफरेंट वर्कबुक पे काम कैसे करेगा, वो आप लोग कर लोगे, वो तो कर ही लोगे आप लोग, सम, सम इफ, सम इफ, आपने 3 फॉर्मूला देखा डिफरेंट वर्कबुक पे, तो इसको तो आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे, हाँ ना, करके दिखा दूं, कर लोगे, करके दिखाऊं, हाँ मुझे पता है, मुझे आज जिंदा नहीं रहना है, कट करता हूं मैं इसी को, और इसी को मैं फिर से ओपन करता हूं, कोई सीट खाली है, ये सीट खाली है, पेस्ट कर दिया यहां पे, ठीक। इसमें आया सीट नंबर 3 में मैं मोड फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा था, फॉर्मूला यहां पे कट करके पेस्ट किया हूं तो अपने आप अपडेट हो गया। मैं डिलीट कर देता हूं, मैं फिर से खुद का फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। यहां पे इक्वल टू का साइन दिया, मोड लिखा, ठीक है, फिर नंबर पूछ रहा है, कंट्रोल टैब मारा, ठीक है, सीट 4 पे है, यहां पे नंबर दे दिया, कॉमा दे दिया, फिर यहां पे लिखा, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, ठीक। तो ब्रैकेट जैसे ही बंद किया, बुक 1 पे आ गया, यहां पे 2 देखिए शेषफल आ रहा है। एक मिनट, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा हाँ, 3 से डिवाइड किया ना, 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल टैब मारा, इस बुक में आ गया, ये देखिए 0 शेषफल आ गया यहां पे, ठीक। तो ऐसे ही इस्तेमाल होगा मोड फंक्शन का अलग अलग वर्क बुक में, ठीक। समझ में आ गया सबको मोड फंक्शन क्या करता है? आ गया, आगे चले। चलिए डिलीट करता हूं मैं इसको, और कंट्रोल टैब दबाया, यहां से भी इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक। मोड फंक्शन सबको क्लियर है? मोड फंक्शन बता दिया आपको, सेम सीट में, डिफरेंट सीट में और डिफरेंट वर्कबुक में, ठीक है। अगला है एबीएस का फॉर्मूला, ठीक। एबीएस क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है, ठीक है। जैसे ए बी एस, ये बोल रहा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर, द नंबर विदाउट इट, कुछ लिख रहा है, सिंपल सा बात है। यहां पे लिखा क्या मैं 100, ठीक, एंटर किया तो यहां पे 100 आ गया, ठीक। यहां पे मैं माइनस लिखूंगा ना, एंटर करूंगा तो इसको क्या करेगा, माइनस को हटा के फिर बाकी रिटर्न कर देगा, सिर्फ इसका इतना ही काम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं NUM लिखूंगा, यहां पे नंबर लिखता हूं, यहां पे ABS का फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है, ऐसे, और इस नंबर को यहां पे सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, ठीक, एब्सोल्यूट, ठीक। तो यहां पे मैं लिखूंगा 200, ये आ गया, लेकिन माइनस दे करके मैं 200 लिखूंगा तो 2000, 2 लाख, जो भी लिख दूं, यहां पे माइनस को हटा के कर देगा, ठीक। तो आप ये कह सकते हो कि एब्सोल्यूट का जो एबीएस का जो फॉर्मूला है
वो माइनस को हटा के पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देता है, आप ये कह लो। ठीक, एबीएस फंक्शन का इतना ही काम है, बाकी इतना ही जानो। ठीक, यही काम है एबीएस फंक्शन का, बाकी कुछ नहीं है, ये आप समझ लो। ठीक, ये डिफरेंट सीट पे भी काम करेगा। ठीक, कैसे डिफरेंट सीट पे काम करेगा, कट करके पेस्ट कर दूं क्या, या जरूरत नहीं है? डिफरेंट सीट पे कैसे काम करेगा और डिफरेंट वर्कबुक पे कैसे काम करेगा, ये प्रैक्टिकल करना एबीएस फंक्शन के लिए आपके जिम्मेदारी। ठीक, क्योंकि मैं सम को बता दिया, सम इफ को बता दिया, सम इफ्स को बता दिया, ठीक है, और क्या था एक और, मोड फंक्शन को बता दिया, सेम सीट पे, डिफरेंट सीट पे और डिफरेंट वर्कबुक पे, तीनों चारों मैंने फंक्शन बताया। ठीक है, तो आप एब्सोल्यूट जो है एबीएस जो फंक्शन है इसको आप खुद प्रैक्टिकल करोगे। ठीक, नहीं बनेगा तो पूछना। ठीक, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा तो ट्राई करना एक बार। ठीक है, डिलीट कर दो ये सब, डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन क्या करता है, सिंपल सा बात है, एवरेज ही निकालेगा और क्या करेगा। ये मैं बुक वन पे अभी आ गया हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे 10 लिखा, 35, 40, 45, कुछ 6 लिख दूंगा मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मतलब परसेंट निकालना है तो क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, ऑल्ट इक्वल टू मारूंगा, नहीं ऑल्ट इक्वल टू सीधा मारूंगा, सम करके ये दे देगा मेरे को। ठीक है, फिर क्या करूंगा, स्लैश का साइन दूंगा। ठीक है, और फिर इन सब को जोड़ूंगा, ये कितने अंक है, 6 नंबर है, तो यहां पे 6 लिख के कर दूंगा एंटर, तो क्या हुआ, ये निकल गया आपका एवरेज। ठीक, ठीक है, आप लोग बातें नहीं करो, एवरेज मैंने कैसे निकाला आपने देखा, ये देख लीजिए, सम का फॉर्मूला लगाया और फिर स्लैश दिया, डिवाइड कर दिया 6 से, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, तो मैंने निकाल लिया। अब यही चीज फंक्शन के, फंक्शन से कैसे होगा, इक्वल टू का साइन दे दीजिए, ये अभी एवरेज फंक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप पूरा नंबर सेलेक्ट करिए, ऐसे दीजिए और कर दीजिए एंटर, देखिए सेम डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसमें काउंट इफ है, इसका भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मेरे को इस काउंट इफ को इसके नीचे करना चाहिए था पेस्ट, लेकिन मैं नीचे नहीं पेस्ट कर पाया, सीक्वेंस के आधार पे करना चाहिए था मेरे को। चलिए काउंट को तो कल देख लेंगे हम। ठीक है, तो ये एवरेज फंक्शन आपको समझ में आ गया। एवरेज फंक्शन का भी इस्तेमाल मल्टीपल सीट में, एक डिफरेंट सीट में या डिफरेंट वर्कबुक में हो जाएगा। ठीक, आप लोग करिएगा, ये आपके जिम्मे है। ठीक, क्योंकि मैं सम बता दिया, सम इफ बता दिया, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। ठीक, कैसे होगा, इसको कट करके कर दीजिए पेस्ट दूसरे सीट में यहाँ पे। ठीक, ये फॉर्मूला आपने आप अपडेट कर लिया, देख लो आप। ठीक है, फॉर्मूला अपडेट नहीं किया होता तो क्या करते, लिख लेते हम, कैसे लिखते, ऐसे सम किया, यहां पे आया, रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे किया सम, ये तो जोड़ेगा और जितना जोड़ के लाएगा उसको मैं यहां ऐसे करके डिवाइड कर दूंगा 6 से, क्योंकि 6 नंबर है। काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बताया नहीं। एंटर मारा, आ गया यहां पे, देख लीजिए। ठीक, वैसे एवरेज का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कबुक का इस्तेमाल भी आप कर लोगे, डिफरेंट वर्कबुक में कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इतना बार डिफरेंट वर्कबुक का भी उदाहरण दे दिया तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और ये तीनों भी समझ में आ गया होगा, राइट? कोई दिक्कत किसी को इन 6 फॉर्मूले में, दिक्कत नहीं होगा ना, होगा नहीं होगा, तो आगे चले या प्रैक्टिकल करोगे आप लोग? चलो अगर आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो यही सही। ठीक, बाकी को हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बंद कर दूं ना, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आंसर नहीं बताएगा,
मोड फंक्शन सिर्फ शेषफल ही बताता है, शेषफल के लिए ही वो बना है। आपको अगर क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए, सिंपल सा बात है, इक्वल टू का साइन दीजिए, 10 लिखिए, डिवाइड करिए, 2 लिख के मार दीजिए एंटर। क्या चीज फॉर्म, हाँ फॉर्मूला नहीं लगा है ना, आगे देख लेंगे, इकाई को टेंशन क्यों, अभी तो मैं सिर्फ, अभी तो ये सिर्फ 2-3 फंक्शन ये है, अभी और भी फंक्शन हमको बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है, अभी हमको बहुत सारे फंक्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है, हम पढ़ लेंगे, चुप बंद हो जा भाई तू अब।